आज मैं बात करने वाली हूँ अपने बेलपत्र के प्लांट के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यह मेरा बेलपत्र प्लांट है और देखिए इसका स्टेम कितना बड़ा हुआ है। इसको मैंने कटिंग से ग्रो किया है और ये आकाशी बेल है। 2 साल पहले मैंने इसकी कटिंग लगाई थी। ये देखिए फ्रेंड, ये इतना बड़ा हो रहा है ना, ट्री के जैसे ही बन गया है ये। और ये इतना लंबा जा रहा था, तेज हवा से बहुत झुकता था, तो मैंने इसको ऐसे अपने बालकनी में बांध के रखा था। जैसे हमारे गेट पे कमान रहती है ना, वैसे मेरे बालकनी में भी इसकी कमान बनाने की सोच रही थी। लेकिन फ्रेंड्स, आज मुझे इसको काटना पड़ा। सच बताऊँ तो मुझे इसको काटने को मन नहीं कर रहा था, लेकिन काटना ही पड़ा, क्योंकि बालकनी में छोटे छोटे जो प्लांट है ना फ्रेंड्स, उनको बिल्कुल ही धूप नहीं मिलती थी और वो खराब होने लगे थे। अभी देखिए, इसको काट दिया ना, तो इसका शेप भी थोड़ा अच्छा लग रहा है और बालकनी में जो छोटे प्लांट है उनको भी धूप मिल रही है। ये देखिए, ऐसे लग रहा है ये मेरा अभी प्लांट। अभी इसके पत्ते भी थोड़े पीले हो गए हैं, तो इसकी कटिंग करनी जरूरी ही थी। और फ्रेंड्स, इसके नीचे जो पॉट रखे थे ना, तो 2-3 प्लांट मेरे खराब हो गए, क्योंकि उनको धूप नहीं लगती थी। तो ये देखिए, इसकी मिट्टी ऐसी एकदम गीली हो गई, 1-2 प्लांट तो मेरे खराब भी हो गए। तो देखिए, अभी ये मैंने मेरी बालकनी में ये मिट्टी सुखाने को रखी है। ये देखिए, ये ज़्यादा पानी से और धूप न लगने से खराब हो गई सब मिट्टी, और उसमें जो प्लांट थे वो भी पूरे खराब हो गए।